लोग खून पसीने की कमाई जमा करते हैं, इसकी खोज खबर लेते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी ढेरों लोग हैं जो बैंकों में पैसा जमा कर भूल गए हैं। ऐसा भूले कि 10 साल तक खोज खबर ही नहीं ली। ऐसे में भला बैंक भी क्या करे। भारतीय बैंकों में लोगों के 35,000 करोड़ से ज्यादा के रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। ना ही इनका कोई मालिक है और ना ही इनका कोई वारिस है। अब इन पैसों का सरकार करे तो करे क्या, आइए जानते हैं। लोगों की आदत होती है पैसों को संभाल कर रखने की, इसके लिए लोग बैंकों को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। मगर बैंकों में पैसा जमा करने के बाद लोग उस पैसे को भूल जाते हैं। इसके अलावा लोग गद्दों के नीचे, किचन के डिब्बों में तो कई बार जेब में ही पैसा रख के भूल जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में लाखों लोग अपने पैसों का सूद लेना भी भूल जाते हैं। ऐसे ही देश में अलग अलग बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए पिछले 10 साल से पड़े हैं, जिसको कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। तो वही केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पिछले दिनों संसद में एक जानकारी दी गई कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बीते फरवरी में ही रिजर्व बैंक को 35,000 करोड़ रुपए सौंप दिए हैं और इस राशि का कोई दावेदार नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अनक्लेम्ड अमाउंट सबसे ज्यादा स्टेट बैंक में है। अब सवाल यह उठता है कि इतना ज्यादा पैसा सरकार क्या करेगी। आपको बता दें कि संसद में दिए गए लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि SBI से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें ज्यादातर वैसे बैंक खाते हैं जिसमें मृतक का मामला अधिक है। सभी मामलों को निपटाने के लिए बैंक प्राथमिकता दे रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।